सीधे अब आपको लिए चलते हैं समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। सरकार ने हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं एनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? आप रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तुमसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को भिड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं, मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी, और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है, और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। 17 से बंद है अखिलेश जी, आपकी जो जितनी जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके